हे गाइस, मैं विनी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब के ब्यूटीफुल चैनल विनी वर्ल्ड में, यूनिक ब्यूटी शाइन में। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, ग्लोइंग होंगे एंड हैप्पी होंगे। एंड आई विश आप हमेशा हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, ग्लोइंग रहे, ब्यूटीफुल रहे और सदा मुस्कुराते रहे मेरे साथ। तो हे गाइस, मैं लाई हूँ आपके लिए आज एक ब्यूटीफुल सा फेस मास्क, जो कि है बहुत ही अच्छा, बहुत ही किफ़ायत, बजट फ्रेंडली और कम टाइम में आप आराम से एक मिनट में घर पे कर सकते हैं। और ये मास्क रिलेटेड है एक्ने से, जिसको भी बहुत एक्ने की प्रॉब्लम हद से ज़्यादा है, उसके लिए ब्यूटीफुल सा मास्क है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे हमारा ब्यूटीफुल मास्क, जो हमारे फेस पे जो भी एक्ने प्रॉब्लम है वो दूर करेगा ये मास्क। तो हे गाइस, उसके लिए मैं ले रही हूँ दालचीनी जिसे चक्का भी बोलते हैं, दालचीनी, पिसी हुई दालचीनी है जो मैंने पीस के रखी है इसको। आप भी अगर ये एक्ने की प्रॉब्लम है तो आप दालचीनी पीस के रख लीजिए, वीकली 2 से 3 टाइम अगर आप ये मास्क करेंगे तो आपके एक्ने प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और इस मास्क के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, पहला है शहद और दूसरा है दालचीनी। तो मैंने यहाँ पे लिया है गाइस, आप देख सकते हैं 2 टेबलस्पून, ये देखिए गाइस 2 टेबलस्पून मैंने लिया है यहाँ पे हनी यानी कि शहद। और दूसरा प्रोडक्ट है हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स जो एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करेगा, वो है गाइस दालचीनी पाउडर। तो अब मैं इसमें 2 चम्मच शहद कटोरी में लिया है मैंने बाउल में, अब मैं इसमें डालूंगी गाइस। देखिए गाइस, 1/2 स्पून इसमें मैंने ये 1/2 स्पून लिया है, 1/2 स्पून मैं इसमें डालूंगी दालचीनी पाउडर। बहुत स्मेल है इसकी, अगर मैं बता दूँ आपको आपकी जानकारी के लिए कि हम दालचीनी ज़्यादातर गरम मसालों में इंडिया में यूज़ किया जाता है, इंडिया क्या बाहर की कंट्री में भी यूज़ किया जाता है वैसे। तो दालचीनी हमारे जो भी गरम मसाले हैं वो हमारे कर्नाटका में ज़्यादा फेमस है, यहीं से सब सप्लाई होते हैं, यहीं से एक्सपोर्ट होते हैं। तो दालचीनी हमारे यहाँ पे हम लोग बहुत सी आइटम यूज़ करते हैं, जैसे पुलाव है या सांभर है, कुछ भी यूनिक सा जब हम कुछ बनाते हैं तो उसमें सुगंध के लिए जो हमारे गरम मसाले यूज़ होते हैं उसमें मेन इंग्रेडिएंट्स होता है दालचीनी। तो वही दालचीनी है ये गाइस जो आपको 1/2 स्पून लेनी है, जो हमारे मसालों में टेस्ट तो बढ़ाती है, हमारे खाने में जो टेस्ट बढ़ाती है दालचीनी, वैसे ही हमारी स्किन में जो एक्ने प्रॉब्लम है उसको भी दूर करती है। तो कैसे करती है देखेंगे गाइस हम ये मास्क लगा के कि हमारी एक्ने प्रॉब्लम को कैसे दूर करेगी दालचीनी। तो अब हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे गाइस, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं। देखिए गाइस, इस तरह से कुछ ये बन जाएगा पेस्ट इसका, दालचीनी और शहद का। अब मैं इसको अपने फेस पे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी गाइस। ओके गाइस, हम इसको अप्लाई करेंगे मेरे फेस पे, मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी आपको, कुछ इस तरह से अप्लाई करना है आपको। ये आपकी जो भी एक्ने प्रॉब्लम है दूर करेगा गाइस, जो भी पिंपल्स है चेहरे पे या एक्ने प्रॉब्लम है सारी आपकी इससे दूर हो जाएगी। अच्छे से आपको इसको अप्लाई करना है गाइस। इस तरह से दालचीनी को आपको पूरा फॉरहेड पे, नोज पे, अपर लिप्स पे अच्छे से अप्लाई करना गाइस। देख सकते हैं आप किस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये पूरा हमारे एक्ने की प्रॉब्लम को क्लियर करेगा,
तो जिस तरह से मैंने पूरा फेस पे अप्लाई किया है वैसे आपको नेक पे, गले पे और पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है कुछ इस तरह से गाइस, जो मैंने आपको करके बताया, छूटे नहीं कोई भी प्लेस। और आँखों की सेफ्टी पहले रखिए, आँखों में ना जाने पाए पूरी सावधानी के साथ आप लगाएं। तो इस तरह से आपको अप्लाई कर लेना है और फिर इसको छोड़ देना है 10 से 15 मिनट्स के लिए। आपको इसको फेस पे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है गाइस, तो हम इसे ड्राई होने देंगे। और जब ये 10 से 15 मिनट्स में सूख जाए, अच्छे से हल्का ड्राई हो जाए, वैसे शहद है तो आपको पूरा ड्राई भी नहीं होगा, लेकिन आपको 10 मिनट्स के लिए मिनिमम आपको अपने फेस पे अप्लाई करके छोड़ना है। बाद में इसको अच्छे से ठंडे पानी से आपको क्लीन करना है गाइस। इस तरह से देखिए, जो भी आपकी डेड स्किन है वो तो निकलेगी और जो भी आपकी एक्ने प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। लेकिन कब होगी? जब आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं। अगर ये मास्क आप रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो प्लीज़ गाइस आप इसको वीकली 2 से 3 टाइम तो ज़रूर कीजिए। अगर डेली नहीं कर सकते तो वीक में 2 से 3 टाइम ज़रूर कीजिए। जो भी आपकी एक्ने प्रॉब्लम होगी जल्दी ही ठीक हो जाएगी एक्ने प्रॉब्लम। तो इस तरह से मैं आपको एक जो कि यहाँ पे बता रही हूँ इसलिए मैं कर्चिफ से क्लीन करके बता रही हूँ, आपको पता है। तो आपको वैसे जब भी करें तो इसको ठंडे पानी से अच्छे से धो लीजिए और कुछ टाइम के लिए 5-6 घंटे तक साबुन या फेस वॉश यूज़ ना करें तो बेटर रहेगा। हो सके तो एक दिन के लिए आप सोप, साबुन कुछ भी इस्तेमाल ना करें फेस पे, फेस वॉश। तो इस तरह से क्लीन कीजिए। और अगर ये डेली रूटीन में आप करते तो 100% गाइस आपके एक्ने की प्रॉब्लम पूरी की पूरी दूर हो जाएगी। बहुत हद तक आपको इस स्क्रब से फ़ायदा होगा, एक्ने की प्रॉब्लम इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको इस स्क्रब से। तो हे गाइस, कैसा लगा ये ब्यूटीफुल दालचीनी फेस स्क्रब? मैंने आपको करके बता दिया है, इसी तरह से आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है, उसको ड्राई करना है 10 से 15 मिनट्स तक। और जब वो अच्छे से 10-15 मिनट्स हो जाए अप्लाई करने के बाद, तब आप उसको ठंडे नॉर्मल पानी से अच्छे से धो लीजिए अपने चेहरे को और फिर आप देखिए उसका मैजिक। कम से कम ये वीक में 2 से 3 टाइम कीजिए, जल्दी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको इससे कोई भी हेल्प होती है एक्ने प्रॉब्लम में, या मेरा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहता है, तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करने से होगा क्या कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिसको भी एक्ने प्रॉब्लम है तो उनको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, उनको भी फ़ायदा होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी जो भी यूज़फुल वीडियो है वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, इससे आपको मेरा हर यूजफुल वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो हे गाइस, चलती हूँ मैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।